2022 बदतरीन पाकिस्तान की तारीख का सबसे जो है बुरा साल था, क्योंकि 2022 में एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इतनी बड़ी गलतियां हुई कि जो है एक मुल्क के जो है एक बड़े बादशाह प्राइम मिनिस्टर मुल्क को संभालने वाले जो जिसको जो है आवाम ने मुंतखब किया था उसको जो है उठा के बाहर फेंक दिया गया। इसी तरीके से जो है साफियों पे बदतरीन तशद्दुद किया गया, आज़म सवाती पेशाबाज़ गिल पे। इसी तरीके से जो है अरशद शरीफ का नाम जो है ज़ेर बहस है कि अरशद शरीफ को जो है मौत के घाट उतार दिया गया, उसका सिर्फ एक सवाल करना जो है उससे उसकी मौत की वजह बना कि वो कौन था जो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जो है घर के बाहर वज़ीर आज़म हाउस के बाहर किसने कैदियों की वैन भेजी थी। सिर्फ यही सवाल जो है उसकी मौत की वजह बना और जो है उसको मुल्क बदर किया गया, उसको जो है दुबई जाना पड़ा, मुल्क से बाहर जो है धक्के खाने पड़े और जो है उसको वहाँ पे कत्ल करवा दिया गया, शहीद करवा दिया गया। ये जो है नून लीग की तरफ से जो है एक जगह गिरी और जो है बदतरीन साल गुजरा है। इनको जो है कुत्ता घिलौना खेल खेला गया 2022 में नून लीगियों की तरफ से। इन लोगों ने मुल्क को तबाह बर्बाद 2022 में करके रख दिया। इसी तरीके से जो है इनकी अब जो है जगह गिरी 2023 में भी चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई, जब तक जो है ख़त्म नहीं होती और लोग जो है आवाम जो है इनको हकारत की नज़र से देखते हैं, गलीज कुत्तों की तरह देखते हैं, इनको आवाम जो इनसे नफ़रत करती है, इनसे जो है इनके आवाम के दिलों में इनकी जो है बहुत ज़्यादा नफ़रत है। अगर ये सामने आ जाए तो आवाम शायद इन पर जूते बरसाएगी, जो है टमाटर फेंकेगी, अंडे फेंकेगी। आवाम जो है सख्त ज़्यादा इनसे नाराज़ है क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है मुल्क की मौशियत का बेड़ा गर्क हो गया है, मुल्क जो है तबाही के दहाने पे खड़ा है, दिवालिया होने वाला है मुल्क। इन लोगों ने मुल्क का जो है बेड़ा गर्क करके रख दिया। 2023 में सबसे बड़ा जो है पाकिस्तान को नुकसान हुआ वो है अरशद शरीफ का। इसी तरीके से जो है एक मुल्क के जो है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है उतार के बाहर फेंक दिया गया। ये जो है 2022 का जो है सबसे, और आवाम को भी हरासा किया गया नून लीगियों की तरफ से, मियां नवाज शरीफ की तरफ से, यानी इनके कारकुनों की तरफ से। आवाम को जिसने भी पीटीआई के हक़ में जो है वीडियो बनाई उसको जो है शहर शहर से उठा लिया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको मार गिराया गया, वोरी बंद लाशें मिलती रहीं। 2022 में ये होता रहा।